सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज जो हमारा सेशन है वो बेस्ड है क्रूज शिप अटेंडेंट पोस्ट के लिए। उम्मीद है जितने भी स्टूडेंट्स हमारे क्रूज शिप में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत बेनिफिट रहेगा। बहुत से टेक्निकल क्वेश्चंस हम पूछने जा रहे हैं। इसके अलावा बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे दोनों चैनल पीडी क्लास और इंट्रो गाइड पर आप स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज की वीडियोस देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। मोनिका, मैं आपको वेलकम करता हूँ सबसे पहले। थैंक यू सर। मोनिका, आज जो हमारा सेशन है वो क्रूज शिप अटेंडेंट और एक मॉक सेशन है, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि क्रूज शिप अटेंडेंट का वर्क प्रोफाइल क्या होता है। सर, इनके बहुत से काम होते हैं, पैसेंजर्स को ग्रीटिंग करना और सर्विस प्रोवाइड कराना, ओके, और रूम्स को क्लीन और बाथरूम को क्लीन रखना, और ये सब काम एक हाउसकीपिंग और सुपरवाइजर के अंडर में करते हैं। बिल्कुल। फर्नीचर, जो डेक फर्नीचर होता है उसको क्लीन रखना, प्रॉपरली जगह पर रखना, ओके, और वेस्ट बास्केट को क्लीन रखना, और जो भी शिप्स में रेगुलर फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, पार्टीज होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन गेस्ट को देना, और ये पूल और सुपरवाइजर जो होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, और एमरजेंसी में शिप एमरजेंसी नंबर डायल करते हैं सर। ओके। सर, एक और बताना चाहूँगी, अटेंड ऑल क्रू एंड पैसेंजर्स सेफ्टी ड्रिल्स। ओके, वंडरफुल, आपने बहुत अच्छे वर्क प्रोफाइल बताया भैया, हमें वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। चलिए, मैं जानना चाहता हूँ कि क्रूज अटेंडेंट अगर किसी को बनना है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सर, इसमें बहुत सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उनका हेल्पफुल और फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए, वर्सेटाइल होना चाहिए। okay. अगर वो हेल्पफुल नेचर किया तो वो कस्टमर की उनकी रेस्टोरेंट में बार में हेल्प कर सकते हैं, okay. जिससे कस्टमर उनसे काफ़ी खुश होंगे और उनकी कंपनीज को काफ़ी इंजॉय करेंगे। ओके okay. और आप इस प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न? सर, बचपन से ही मुझे पानी से बहुत लगाव था। सर, क्रूज़ लाइफ एक सपना है और मैंने डिप्लोमा भी अपने हॉस्पिटैलिटी से में किया है, और मुझे इस प्रोफेशन की काफ़ी नॉलेज है। जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्पफुल और फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए, तो वो क्वालिटीज़ मेरे लिए मेरे में हैं, और मुझे लगता है ये जो प्रोफेशन है एक क्रेजी एक्सपीरियंस है, सो मैं इस प्रोफेशन के लिए बेस्ट हूँ। ओके, मोनिका, क्रूज शिप्स को फ्लोटिंग होटल्स क्यों कहा जाता है? सर, इन्हें लग्जरी पैसेंजर शिप भी कहा जाता है। इसमें बहुत सी फैसिलिटीज़ होती है पैसेंजर्स के एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट, लाइब्रेरी, थिएटर, जिम, रेस्टोरेंट, बार वगैरह सब होते हैं, इसलिए इनको फ्लोटिंग होटल्स कहा जाता है सर। ओके, क्या इनमें कुछ और फैसिलिटी भी होती है? यस सर, यहाँ पर एमरजेंसी के लिए क्लिनिक और डॉक्टर्स की भी फैसिलिटीज़ होती हैं। ओके, चलिए, व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशन ऑन अ क्रूज शिप? सर, कैबिन एट द वेरी फ्रंट एंड वेरी बैक, और इससे हम ओशन का काफ़ी अच्छा व्यू देख सकते हैं सर। ओके okay, तो इसलिए इन पोजीशंस को बेस्ट कहा जाता है। यस सर। ओके, चलिए मोनिका, हमें ये बताइए कि क्रूज शिप से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में? सर, बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे बैचलर ऑफ साइंस इन होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ साइंस इन टूरिज्म, बैचलर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी, और क्रूज शिप मैनेजमेंट। वंडरफुल, आपने बहुत अच्छे कोर्सेज बताए भाई। थैंक यू सर। मोनिका, व्हाट इज ट्विन डेक ऑन अ शिप? सर, यहाँ कंटिन्यूस दो डेक्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। ओके ओके, एनी स्पेस बिटवीन टू कंटिन्यूस डेक्स इन द हल ऑफ अ वेसल एज बिटवीन अ शेल्टर डेक एंड अ फ्री बोर्ड डेक इज कॉल्ड ट्विन डेक ऑन अ शिप। यस सर। चलिए मोनिका, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ रहा है, शिप में ब्रिज किसे कहते हैं? सर, ब्रिज एक तरह का रूम होता है जिसे शिप को कमांड्स दी जाती है। ओके, और व्हाट आर द फोर साइड्स ऑफ अ शिप कॉल्ड? सर, फ्रंट, रियर, लेफ्ट एंड राइट। वेरी गुड। मोनिका, शिप के नोज को क्या कहा जाता है? सर, इसे बल्बोस बो कहा जाता है, और इसकी शेप बल्ब जैसी होती है। ओके, बल्ब शेप। क्या आप जानते हैं कि स्टारबोर्ड किस कलर का होता है? सर, ये ग्रीन कलर का होता है। ओके, और हाउ मच ऑफ अ शिप इज अंडर वाटर? सर, अबाउट 30 feet। ओके, और रफली 9 meters। व्हाट आर द रूम्स कॉल्ड ऑन अ शिप? सर, इन्हें केबिन या स्टेट रूम भी कहा जाता है। ओके, और क्या आप स्टेट रूम के टाइप्स बता सकते हैं? श्योर सर, बताइए। ओशन व्यू, सूट्स और इनसाइडर्स रूम। ओह, इनसाइडर रूम्स। व्हिच इज द बिगेस्ट क्रूज शिप इन द वर्ल्ड? सर, रॉयल कैरिबियन वंडर ऑफ द सी। ओके, एंड व्हिच इज द स्मॉलेस्ट क्रूज शिप, मोनिका? सर, क्रिस्टल स्प्रेड। ओके, इज द स्मॉलेस्ट क्रूज शिप इन द वर्ल्ड। व्हाट आर द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेक्स? सर, फर्स्ट, रैप अराउंड डेक। ओके, मल्टी टायर डेक। यस, अटैच्ड डेक, डिटैच्ड डेक, और रूफटॉप डेक। वंडरफुल, वंडरफुल, आपने 5 टाइप्स बहुत अच्छे बताए भाई। चलिए भाई, आप हमें ये बताइए
कि आप सुपरवाइजर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते थे, यानी कि इससे सीनियर पोस्ट, तो आपने एज अटेंडेंट क्यों अप्लाई किया? मींस आप थोड़ा अपग्रेड पोस्ट भी जा सकते थे। सर क्रूशिप करियर मेरे लिए एम नहीं, मेरे लिए जुनून है और मुझे काफी इंटरेस्टिंग प्रोफेशन लगता है। सर मैं इस फील्ड में काफी नॉलेज लेना चाहती हूँ, ए टू जेड नॉलेज लेना चाहती हूँ, इसीलिए मैं पहली सीढ़ी से शुरू करना चाहती हूँ और कोई भी वर्क मेरे लिए छोटा बड़ा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ऑनेस्टली इस वर्क को करूँगी तो मुझे सक्सेस और प्रमोशन दोनों मिलेगा और मेरे लिए वो फ्यूचर गोल के लिए काफी बेस्ट रहेगा। वंडरफुल। चलिए मोनिका, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ। क्रूजिंग के कुछ बेनिफिट्स बता सकते हैं? श्योर सर, बताइए। सर ये फैमिली फ्रेंडली होता है, फ्लोटिंग सिटीज होता है, एडवेंचर होता है इसमें और इट इज इजी टू प्लान। सर ये बहुत सी शेप्स और साइज में आते हैं। ओके, तो मींस इट इज एन एडवेंचरस लाइफ अल्टीमेटली मींस। ओके मोनिका, व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है? सर मुझे ट्रैवल करना, नए नए कल्चर से मिलना और बुक्स रीडिंग करना पसंद है सर। ओके, तो आप अभी तक कहाँ ट्रैवल किया आपने? सर मैंने बहुत सी जगह किया है, जैसे मैंने मालदीव गई हूँ मैं सर, और कनाडा भी गई हूँ सर। ओके, आपने जब ट्रैवल किया तो ऑब्वियस है आपने अभी तक तो प्लेन में ही ट्रैवल किया होगा। नो सर, मैंने शिप में भी काफ़ी ट्रैवल किया है। ओ, क्रूज में गए हैं आप? यस सर। वेरी गुड। मोनिका आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या आपकी? सर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं फ्रेंडली नेचर की, हेल्पफुल भी हूँ और मैं ऑनेस्टली वर्क को करूँगी और साथ में अपने वर्क को लेकर काफ़ी पैशनेट हूँ और टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सो पंचुअल हूँ अपने टाइम को लेकर सर मैं। वंडरफुल। और आपकी कोई वीकनेस मोनिका? सर मैं इंग्लिश काफ़ी वीक है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स पर इंप्रूव करने की वर्क कर रही हूँ सर मैं। ओके, मींस यू आर प्रिपेयरिंग नाउअडेज फॉर इंग्लिश। यस सर, दैट्स गुड। और मोनिका आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या कहते हैं? सर वही बताया जो क्वालिटीज बताई थी मेरे को, हेल्पफुल और फ्रेंडली नेचर का बताते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैं जो भी बात होती है मैं ऊपर बोलती हूँ, मैं किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करती। okay. सो मुझे काफी अप्रिशिएट करते हैं सर इस वर्क के लिए। ओके मोनिका, आपको सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है हमसे? व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस? सर मनी डजंट मैटर फॉर मी, वर्क इज वर्शिप फॉर मी और मेरे लिए ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है इस प्रोफेशन में मैं काफी लोगों की हेल्प भी कर सकती हूँ, सो मैंने इस प्रोफेशन को चुना सर। ओके मोनिका, मान लीजिए कोई पैसेंजर है और वो ये बोल रही है कि भाई आपका जो नेचर है वो अच्छा नहीं है, आपने उनको ट्रीट अच्छे से नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं आई एम गुड लिसनर, तो मैं सबसे पहले तो उनकी बात सुनूंगी। सर मैंने जैसे बताया मैं फ्रेंडली नेचर की हूँ, तो मैं दोस्ती बहुत जल्दी कर लेती हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि वो मेरी बात अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, आप जानते हैं कि क्रूज लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसमें आपको हर समय अटेंटिव रहना पड़ता है, तो थोड़ा प्रेशर भी होता है, तो आप इस प्रेशर लाइफ को झेल लेंगे क्या? श्योर सर, ये हमारी लर्निंग स्टेज है तो पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी, सो मैं थोड़ा प्रेशर में वर्क करना पड़ा तो कर लूँगी और सर फेस्टिवल, हॉलीडेज, संडे अगर इनमें भी वर्क करना पड़ा तो मैं श्योरली करूँगी सर। ओके, और मोनिका मुझे ये बताइए किस तरीके के लोगों के साथ आप काम करना पसंद नहीं करते हैं? सर जो अपने वर्क को लेकर काफ़ी पैशनेट नहीं है, लेजी है, पंचुअल नहीं है सर, मैं उन लोगों के साथ वर्क करना पसंद नहीं करूँगी। ओके मोनिका, आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या टीम में? सर आई एम टीम स्प्रिट गर्ल, तो मुझे सारा क्रेडिट खुद नहीं लेती, मैं शेयर करने में बिलीव करती हूँ, सो मुझे लगता है टीम में वर्क करेंगे तो हमें सक्सेस ज़्यादा जल्दी मिलेगी और कहीं अलोन भी वर्क करना पड़ा तो मैं सॉल्व करूँगी सर। ओके मोनिका, क्रूज लाइफ एक एडवेंचरस लाइफ है, बहुत से लोग इसके अंदर आना पसंद करते हैं मगर ये होता है कि वो आ तो जाते हैं पर बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलते, फिर वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में और कोई इंडस्ट्री चूज करना पसंद करते हैं, तो आप तो ऐसा नहीं करेंगे? नहीं सर, मैं अपने लाइफ में रोलिंग स्टोन नहीं बनना चाहती। ओह, दैट्स अ गुड आंसर। आप जानते हैं कि क्रूज लाइफ में आप आ रहे हैं तो ऑब्वियस है यू हैव टू लीव योर होम और आपको बहुत दूर भी जाना पड़ सकता है, देश विदेश आपको जाना होगा, तो आप मैनेज कैसे करेंगे? सर मुझे होम सिकनेस नहीं है, आई एम फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी, तो okay. मैं कहीं पर भी एडजस्ट हो जाऊंगी, तो मुझे वैसे भी मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, सो मैं एडजस्ट कर लूंगी सर। ओके ओके वंडरफुल मोनिका, आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों यदि आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो कोशिश करते हैं हम हर वीडियो के अंदर आपको लास्ट में टिप जरूर देते हैं और आज का टिप तो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जैसा मैंने मोनिका से पूछा था आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन हमसे क्या है, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हर इंटरव्यू का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो कल हो सकता है दोस्तों आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो दोस्तों आप बोलना कि सर सैलरी इज नॉट द ओनली एसेंशियल थिंग फॉर मी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट। However, I'm sure, sir, if you make me an offer, it will be equal to my qualifications and the current salary structure of the industry. यदि आप इस तरीके का आंसर देते हैं दोस्तों, definitely you will get success. और अगर आप एक्सपीरियंस हैं, तो आप ये कहिए, sir, a job change does include a risk, therefore deserves a suitable increase. तो definitely you can impress an interviewer in better form.